अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साराज़ किचन। और साराज़ किचन में मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है कद्दू का रायता। कद्दू का रायता बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, इनमें मैंने हाफ़ के जी कद्दू लिया है। मैंने ये गोल कद्दू जो होता है ये वाला मैंने कद्दू लिया है, इसको मैंने कश कर लिया है। इसको मैंने कश करके इसमें 1 टेबल स्पून प्याज डाल दिए बारीक काट के। इसको मैं बॉईल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक टमाटर है बड़े साइज़ की, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। एक खीरा लिया है मैंने बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और एक बड़ी प्याज को लेकर उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। मसालों में इसमें नमक जाएगा, काली मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च जाएगी, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 केजी मैंने दही लिया है। और ये मेरे पास हरी चटनी है जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है। ये मैंने क्योंकि फ्रीज़ की हुई है, मेरे पास ये 2 क्यूब हैं। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कद्दू को मैंने पकने के लिए रख दिया है, इसको मैंने कश किया है। इसमें से इसका अपना ही काफ़ी पानी निकल चुका है, इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। इसको प्याज के साथ मैं मीडियम आँच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी। ये इसी पानी में गल जाएगा और इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। मैंने कद्दू को बहुत अच्छी तरह से गला लिया है। इसको गलने में तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, फिर उसमें 5 मिनट में ये गल जाएगी। ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी, फिर आपको बताती हूँ। कद्दू को मैंने बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब मैं इसका रायता तैयार करती हूँ। यहाँ मैंने दही ले लिया है, ये मेरे पास घर का दही है। अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं तमाम मसाले डालूँगी। चटनी डालूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं इसे में कद्दू को भी शामिल कर दूँगी। कद्दू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब मैं इसमें ये तीनों चीज़ें भी शामिल कर दूंगी। ये हमारा कद्दू का रायता बिल्कुल तैयार है। इसको बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आप खाएंगे, ये बहुत मज़ेदार है। आप भी मेरे तरीके से कद्दू का रायता बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपसे ये कैसा बना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।